हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। माँ सब्जियां बेचती थी, घर के हालात खराब थे, पर कड़ी मेहनत से आज भारतीय फुटबॉल टीम का हिस्सा है जैक्सन। इस साल ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने फीफा अंडर 17 विश्व कप के लिए 21 सदस्यीय टीम का ऐलान किया था, तो देश के एक राज्य ने दूसरे सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया था। यह राज्य था मणिपुर। 21 लोगों की इस टीम में लगभग एक तिहाई यानी 8 खिलाड़ी तो केवल मणिपुर से ही थे। टीम के कप्तान अमरजीत सिंह कियाम की तरह ही जैक्सन सिंह भी मणिपुर से ही आते हैं। खास बात यह है कि दोनों ही खिलाड़ियों को फर्राटेदार पंजाबी आती है। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में चुने गए जैक्सन सिंह को फुटबॉलर बनाने में उनकी मां ने कड़ा संघर्ष किया है। 2 साल पहले पिता की नौकरी जाने के बाद परिवार का गुजारा मां ने सब्जी बेचकर किया, लेकिन इतने कठिन हालात में भी जैक्सन का फुटबॉल को लेकर जुनून कम नहीं हुआ। अब ये मिडफील्डर फीफा अंडर 17 विश्व कप में भारतीय टीम का हिस्सा है। भारत की 21 सदस्यीय टीम के सदस्य जैक्सन मणिपुर के थोउबल जिले के हाओखा ममांग गांव के हैं। उनके पिता कोंथू आजम देबन सिंह को 2015 में पक्षाघात हुआ और उन्हें मणिपुर पुलिस की अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उनके परिवार का खर्चा मां इम्फाल के ख्वारमबंद बाजार में सब्जी बेचकर चलाती है, जो घर से 25 किलोमीटर दूर है। जैक्सन ने कहा, जब मैं 2010 में घर से चंडीगढ़ आया तब सब कुछ ठीक था, लेकिन मेरे पिता को 2015 में पक्षाघात आया और अब वो आजीविका कमाने की स्थिति में नहीं है। मेरी माँ और नानी इम्फाल में सब्जी बेचती है और इसी से हमारा घर चलता है। उन्होंने कहा, मैं बचपन से भारत के लिए खेलने का सपना देखता आया हूँ और अब मेरी जिंदगी बदल गई है। मैं विश्व कप में भारत की जर्सी पहनने को बेताब हूँ, हालांकि परिवार की स्थिति को लेकर भी चिंतित हूँ। जैक्सन के बड़े भाई जोनी चंद सिंह कोलकाता प्रीमियर लीग के पियरलेस क्लब से खेलते हैं, लेकिन उनकी आय से परिवार की दशा में ज्यादा सुधार नहीं आया है। जैक्सन को 2015 में चयनकर्ताओं की उपेक्षा भी झेलनी पड़ी जब वो चंडीगढ़ के एकेडमी में थे। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अंडर 17 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में जगह बनाई। पहले चंडीगढ़ फुटबॉल एकेडमी के साथ खेलने वाले जैक्सन बाद में मिनर्वा से जुड़े और राष्ट्रीय अंडर 15 तथा अंडर 16 खिताब जीतने वाली टीम की कप्तानी भी संभाली। 6 फीट 2 इंच लंबे जैक्सन भारत की अंडर 17 विश्व कप टीम से सबसे लंबे प्लेयर हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को लगता है कि भारत का फुटबॉल स्तर बेहद खराब है, लेकिन ये एक गलत धारणा है। हम भले ही कमजोर हो, लेकिन हमें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। हमें यूरोप जाकर ट्रेनिंग की है और हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने को बेताब है। गौरतलब है कि भारत अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करने जा रहा है। 3 सप्ताह तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ यूथ टीम एक दूसरे से मुकाबला करेंगी। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।